हेलो दोस्तों, फिर से मैं आप सबके लिए सेकेंड ट्यूटोरियल वीडियो लेकर आ गया हूँ जो थर्मल कंडक्टिविटी अर्थात थर्मल ट्रांसमिटांस होता है, जो यू निकालना पड़ता है, उसमें थोड़ा एडवांस टाइप का न्यूमेरिकल मैं आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। तो जरूर लास्ट तक देखिए और वीडियो कैसा लगेगा वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप अदर फैकल्टी का स्टूडेंट है तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सबके लिए मैं अक्सर फ्री कोर्सेज और कंप्यूटर रिलेटेड, मोबाइल रिलेटेड और नए नए एडवांस टाइप का टेक्नोलॉजी के बारे में भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। और सिविल इंजीनियर के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो बनाने का अब कोशिश करूँगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक भी करिएगा। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसे मैं देख सकते हैं सेकेंड नंबर का है, ये देख सकते हैं व्हाट विल बी द मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ यू। मॉडिफाइड जो वैल्यू है यू का वो क्या है, वो पता लगाने के लिए बोल रहा है। इफ एन एयर गैप 5 cm इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन टू सर्वेस ऑफ द ब्रिक वॉल 22.5 cm, जो एक हेलबेस है ब्रिक का वो 22.5 cm उसका थिकनेस है और बीच में हम क्या किए एयर गैप 5 cm का दे दिए। तो दो जो ये वॉल है, सपोज ये देख सकते हैं ब्रिक का वॉल हुआ, इसका थिकनेस क्या हुआ 22.5 cm हुआ, और इसको बीच में क्या कर दिया 5 cm गैप दे दिया, 5 cm गैप दे दिया। तो इधर क्या बच गया, 22.5 में डिवाइड करेंगे दो से तब बच जाएगा, इधर ये पार्ट बन गया आधा, आधा इधर बच गया, अर्थात क्या हो गया 11.25 ये बच गया और ये भी क्या हो गया 11.25 और बीच में क्या हो गया आपको 5 cm हो गया। जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर भी फिगर में मैंने बनाया है, ड्रॉ किया है, तो वो हेलबेस हो गया। उसके बाद क्या इसमें बोल रहा है आपको, प्रोड्यूस विद 55 mm थिक सीमेंट प्लास्टर ऑन द बोथ साइड। उसके बाद बोल रहा है 25 mm थिक सीमेंट प्लास्टर बोथ साइड प्रोवाइड किया है। तो यहाँ देख सकते हैं इस साइड में भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, इस साइड में भी प्रोवाइड कर दिया। तो देख सकते हैं फिगर, आप बुझ गए होंगे क्या है। मैं फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा आपको, ब्रिक का जो थिकनेस है वो क्या है 22.5 cm है, उसको एक एयर गैप में दे दिया है हेलबेस से, अर्थात वो 5 cm है जो गैप दे दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं जो है इसका थिकनेस है जो 22.5 और बीच में जो गैप दे दिया सेंटर में तो 5 cm, तो बच गया कितना 11.25 इधर बच गया, 11.2 इधर 5 बच गया। और बोथ साइड कह रहा है फिर से 15 mm प्लास्टर दिया हुआ है, थिक प्लास्टर, तो ये दे दिए। और मैंने बोला था आपको वर्टिकल होता होगा फिगर ड्रॉ बना हुआ है, तो आपको राइट लेफ्ट साइड से राइट साइड में नेमिंग करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं मैंने किया हूँ 1, 2, 3, 4, 5 लिख सकते हैं। तो 4 प्लास्टर के और के 5 बराबर कितना होगा प्लास्टर, अर्थात के 1 और के 5 क्या है प्लास्टर ही है, तो ये दोनों इक्वल ही होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट K1 और K5 बराबर 18.8 लिख दिया हूँ। और यहाँ पर यूनिट भी आपको लिखना चाहिए, नहीं लिखेंगे तो मार्क थोड़ा बहुत काट सकता है। और इनसाइड वॉल K2 बराबर K4, यहाँ पर देख सकते हैं K2 और K4 दोनों ब्रिक ही है, तो दोनों का क्या होगा के सेम ही होगा, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा सेम होगा। उसके बाद बच गया बीच में क्या एयर गैप, तो उसका उसको सी से डिनोट करते हैं, तो उसका भी मैं बताऊंगा बाद में। L1 और L5 का क्या हुआ 1.5 cm, और L2 और L4 यहाँ पर देख सकते हैं 11.25 और L3 बराबर कितना हुआ 5 cm एयर गैप हुआ। एडॉप्ट C3 बराबर एडॉप्ट करना है अर्थात रिज्यूम करना है C3, अर्थात यहाँ पर जो के से आप इसको नहीं डिनोट कर सकते एयर गैप पे, इसको C3 से डिनोट किया जाता है 5.35, इसको एज्यूम कर देना है, आपको देख सकते हैं 5.35 एज्यूम कर देना है। उसके बाद नाउ R1 और R5 का सेम ही मटेरियल है और थिकनेस भी सेम है, तो क्या आएगा वैल्यू भी सेम आएगा, इसीलिए R1 बराबर R5 बराबर एक ही मैंने फॉर्मूला लगा दिया है, तो क्या हुआ डिवाइड करके यहाँ पर आ गया आंसर। देख सकते हैं R2 बराबर भी देख सकते हैं निकाल दिया मैंने, R2 और R4 बराबर सेम ही होगा क्योंकि सेम ही ब्रिक है और सेम थिकनेस का है। और R3 बराबर देख सकते हैं R3 बराबर होता है, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। R3 बराबर क्या होता है मैं बता दूँ आपको, R3 बराबर अगर एयर गैप का है, R3 अर्थात R निकालना है तो क्या होगा 1/C होगा, तो 3 नंबर का फिगर है इसीलिए यहाँ पर 3 से डिनोट किया और यहाँ पर भी 3 से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो R का फॉर्मूला क्या है 1/C है।
अगर एयर गैप दिया हुआ है तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्या होगा 1/c। तो यहाँ पर देखो डिवाइड करके निकल गया, एज्यूम 1/f0, 1/f0 नहीं दिया है तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा 1/f0 बराबर क्या होगा 0.0515 और 1/f5 बराबर क्या होगा 0.12। तो यहाँ पर देख सकते हैं एज्यूम करने वक्त आपको ये ध्यान देने वाला बात है कि 1/f0 f0 बराबर मैंने 0.0515 ही क्यों रखा, क्योंकि वाल और जो स्लैब होता है वो तो दोनों का क्या होता है सेम ही होता है इसीलिए। और इनर में तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरे जो आपको मैंने फिगर बनाया था पहले दिखाया था, देख सकते हैं इनर में क्या है ब्रिक है, तो ब्रिक का लिखेंगे हम इनर वाले तो 1/f0i बराबर क्या है मैंने पहले बताया था फर्स्ट ट्यूटोरियल में बेसिक कंसेप्ट दिया था, वो फर्स्ट ट्यूटोरियल देख लीजिए वहाँ से पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। 1/f(i) बराबर 0.125 रखना है और RT बराबर ये फॉर्मूला होता ही है आपको मालूम ही है 1/f0 प्लस 1/f(i) प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 इसका डॉट डॉट जितना है उतना आप लिख सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन कर देना है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं 0.7229 आ गया। उसके बाद यू ट्रांसमिटेंस कितना हो, यू बराबर 1/RT इसको रिसिप्रोकल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लास्ट में यूनिट लिखना ही है, नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क कट जाएगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट मैं वीडियो में मैं आपको पूरे डिटेल से करके मैं अपने आप से खुद से मैं पूरे स्टेप बाय स्टेप करके मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, वो भी डिटेल में जो ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल टाइप का होता है फिगर बनता है उसमें मैं दिखाऊंगा। सो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।